सवाल में आपको तीन प्लेट्स दे रखे हैं और आपको कहा गया है कि हमने अपर प्लेट के ऊपर चार्ज डाल दिया है 1 नैनो कूलम। तो क्या हम इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पैरेलल प्लेट्स हैं, जो चार्ज होगा वो आधा आउटर सरफेस पे आधा आधा बढ़ जाएगा। टोटल चार्ज है 1 नैनो कूलम, क्योंकि इन दोनों पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, इसलिए ऊपर वाले सर्फेस पर कितना चार्ज आ जाएगा? ऊपर वाले सर्फेस पर चार्ज आ जाएगा 0.5 नैनो कूलम, इस पर आ जाएगा 0.5 नैनो कूलम। टोटल चार्ज यहाँ पे 1 था, ऊपर 0.5 आ चुका है, तो नीचे वाले के लिए कितना बचा? 0.5। इधर 0.5 है तो इसका सारा फ्लक्स जाके इस पे टर्मिनेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम अपर प्लेट टू मिडिल प्लेट, सो दिस इज इक्वल टू, और इसका क्योंकि सारा फ्लक्स इस पे टर्मिनेट होगा इसलिए यहां पर चार्ज कितना आ जाएगा? -0.5 नैनो कूलम। अब इस प्लेट पे भी टोटल चार्ज 0 था, इसलिए अगर इधर -0.5 आया तो इधर आएगा +0.5। इधर 0.5 है तो यहां का जो फ्लक्स है वो जाके इस पे टर्मिनेट होगा, इधर चार्ज आ जाएगा -0.5 नैनो कूलम। और आप देख सकते हैं नीचे वाले प्लेट पे इनिशियल चार्ज 0 था, फाइनली भी 0.5 - 0.5 0 ही आ गया है, तो चार्ज कंजर्वेशन भी आपका वैलिड है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगा क्योंकि दोनों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सिग्मा सेम। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना है? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू मतलब एक सरफेस का चार्ज, क्यू वन बोल देता हूं उसको। और पोटेंशियल डिफरेंस वी कितना आ जाएगा? वी विल बी ED, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, एक इन्फाइनाइट प्लेट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। दिस इज इक्वल टू Q1 बाय A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय D। अगर हम इसमें फिर से वैल्यू सब्सटीट्यूट करें Q की, A की, एप्सिलॉन नॉट की और D की, तो V कितना आ जाएगा? दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू Q, क्यू है 0.5 नैनो कूलम, तो 0.5 × 10⁻⁹ इंटू डी, डी कितना है? डिस्टेंस है आपका 8.85 × 10⁻³ अपॉन एरिया, एरिया कितना है? 5 × 10⁻², मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, 8.85 × 10⁻½। आप इसको कैलकुलेट करके इजीली पता लगा सकते हो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस आया 10 वोल्ट। और क्योंकि दोनों तरफ Q सेम है, सिग्मा सेम है, इसलिए और डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आएगा। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी V होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी V होगा। मतलब अपर प्लेट और मिडिल प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, मिडिल प्लेट और लोअर प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट।